जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे फेज के लिए 1365 हेक्टेयर जमीन अक्वायर की जानी है। लैंड एक्विजिशन से पहले गांव में सोशल इंपैक्ट असेसमेंट कराया गया है। ये असेसमेंट गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी की टीम ने किया है। सर्वे टीम ने असेसमेंट करके अपनी रिपोर्ट गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन को सौंप दी थी। प्रशासन ने एक्सपर्ट कमेटी के साथ मीटिंग की और इस रिपोर्ट को पेश किया। इसके बाद एक्सपर्ट कमेटी ने 20 नवंबर 2021 को इस रिपोर्ट पर अपनी मुहर लगा दी। अब यह रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को भेज दी गई है। सरकार इस रिपोर्ट को स्टडी करेगी और अपनी मंजूरी देगी। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद उन किसानों से सहमति लेने का काम किया जाएगा जिनकी जमीन जेवर एयरपोर्ट के दूसरे फेज के निर्माण के लिए अक्वायर की जानी है। जब 70% किसानों की सहमति मिल जाएगी तब ही जमीन अधिग्रहण का काम शुरू किया जाएगा। सरकार से हरी झंडी मिलते ही जिला प्रशासन किसानों से सहमति लेने का काम शुरू कर देगा। सहमति लेने के बाद जिला प्रशासन मुआवजे का ऐलान कर देगा और उसके बाद मुआवजा बांटकर किसानों से जमीन ली जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरे फेज के एक्विजिशन में लगभग 6,839 परिवार प्रभावित होंगे। संभावना है कि इनमें से लगभग 5,000 परिवारों को विस्थापित किया जाएगा। जिन गांवों की जमीन अक्वायर होगी उनमें मुढ़हर की लगभग 53 हेक्टेयर, बीरमपुर की 59 हेक्टेयर, कुरैब की 350 हेक्टेयर, करौली बांगर की 173 हेक्टेयर, रनहेरा की 520 हेक्टेयर और दयानतपुर की 150 हेक्टेयर जमीन शामिल है।